हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने वाले तिब्बती मूल के कमांडो नीमा तेंजिंग के पार्थिव शरीर को भारतीय तिरंगे और स्नोलाइन झंडे में लपेटकर सच्ची कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त किया गया। भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय। लेह में तिब्बत के वीर सपूत का ऐसा सार्वजनिक सम्मान शायद पहली बार दुनिया ने देखा। यहाँ शहीद को श्रद्धांजलि देने वालों में सिर्फ तिब्बती ही नहीं थे बल्कि बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी भी मौजूद थे। वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने भी शहीद को अंतिम विदाई दी और शहीद के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस भी बंधाया। जिनकी शहादत पर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, शहादत सीमा पर शांति लाए और सब आज की जो परिस्थिति है तनाव है वो पूरा समाप्त हो, बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच शांति की माहौल सीमा में स्थापित हो, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। सुना आपने, राम माधव ने इससे पहले ऐसा ही मिलता जुलता ट्वीट भी किया था जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया। भारत माता के तिब्बती बेटे के अंतिम संस्कार में बीजेपी नेता राम माधव की मौजूदगी क्या चीन को कोई सीधा संकेत है? ये पहले बारी है जो भारत सरकार और भारतीय सेना ने ये कहा है कि तिब्बतन जवान हमारे भारतीय सेना के साथ लड़ रहे हैं लद्दाख में, और इस लिमिटेड एक्सटेंट तक वो ये मैसेज देती है कि हमारी देश की जो पॉलिसी है चीन के तरफ उसमें बदल आ चुका है। क्या हिंदुस्तान तिब्बत को लेकर अपनी नीति में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है? क्या वो अब तिब्बत को लेकर चीन की नाराजगी को दरकिनार कर तिब्बत कार्ड खेलने की ओर आगे बढ़ रहा है? ऐसा कहने के पीछे कई वजहें हैं। पहली बार स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस्तेमाल, एसएफएफ कमांडो फोर्स को मान्यता दे दी है, एसएफएफ कमांडो एलएसी पर लद्दाख में तैनात हैं। बीजेपी नेता राम माधव का एसएफएफ कमांडो के अंतिम संस्कार में शामिल होना, तिब्बत के लोगों का भारत में पहले से ही आश्रय पाना। इससे पहले हिंदुस्तान ने तिब्बत के सैनिकों को पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेन किया था। शौर्य पराक्रम और बुलंद हौसलों से लबरेज तिब्बत की उस ट्रेंड सेना को नाम दिया गया था स्टेबलिशमेंट 22। उन्हें 1971 में पूर्वी पाकिस्तान तो कारगिल में 1999 में तैनात किया गया। तिब्बत के उन अदम्य साहसी वीर योद्धाओं ने हर युद्ध में अपने अमिट पराक्रम को सिद्ध किया, और अब एलएसी पर उन्हीं वीर तिब्बतियों की तैनाती सीधे तौर पर चीन के साथ साथ सारी दुनिया को बड़ा संदेश देती है। इससे पहले मोदी सरकार ने मई 2020 में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में अपने दो सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान को भेजा था। तब भारत के कदम से चीन को बड़ी मिर्ची लगी थी। ऐसे में चीन और हिंदुस्तान के बारे में करीने से नजर रखने वालों में अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या हिंदुस्तान अब वंस चाइना पॉलिसी से इतर अपनी रणनीति पर काम करने में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि चीन तिब्बत से लेकर ताइवान तक को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन पहले से इतर अब हिंदुस्तान ताइवान में भी दिलचस्पी ले रहा है। बीजेपी नेता राम माधव का तिब्बती सिपाही की अंत्येष्टि में भाग लेना, मीनाक्षी लेखी का ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनना एक साफ संकेत जाता है चीन को कि एक चीन की नीति पत्थर की लकीर नहीं है। भारतीय सेना का वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई महत्वपूर्ण चौकियों को अपने नियंत्रण में करना और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध एक संकेत है भारत की तरफ से कि चीन का वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करना भारत को मान्य नहीं, और भारत हर वो कदम उठाएगा जो जरूरी हो ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर शांति और पुरानी जैसी स्थिति बहाल हो। अभिषेक भल्ला और कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत,